नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके हिंदी टेक वर्ल्ड में। तो दोस्तों, उड़ती खबर ये आ रही है कि मैकोमैक्स अपने दो फोन लॉन्च करने वाला है। एक का प्राइस है 299 और एक का प्राइस है 199। ये दोनों ही फोन आपके 4G अनेबल होंगे और ये दोनों ही फोनों में रिलायंस जियो का सिम इस्तेमाल कर पाएंगे। तो दोस्तों, जो पहला फोन है उसका नाम है मैकोमैक्स भारत 1 और जो दूसरा फोन है उसका नाम है मैकोमैक्स भारत 2। जो पहला फोन है उसका प्राइस है अप्रॉक्स 299, अप्रॉक्स 3000 के अंदर आता है और जो दूसरा फोन है उसका रेट है 199, अप्रॉक्स 2000 के अंदर आता है। तो दोस्तों, इसमें से जो भारत 2 है उसका कुछ स्पेसिफिकेशन लीक हुए हैं कि इस फोन में आपको क्या क्या दिया जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस फोन के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ भारत 2 के बारे में, ठीक है। तो इसमें आपको 4 इंच की WVGA डिस्प्ले आपको मिलेगी और इसमें आपको 512 MB रैम मिल जाएगा और इसमें इंटरनल मेमोरी आपको 4GB होगी और आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं 32GB तक। और इसमें आपको बैटरी आपको 1300 mAh की आपको बैटरी मिल जाएगी और इसका जो एंड्रॉयड वर्जन होगा वह होगा मासमोल 6.0। और सबसे खास बात क्या है कि 4G LTE इसमें नेटवर्क सपोर्ट करता है, मतलब आप रिलायंस जियो की सिम इसमें आप आराम से इस्तेमाल कर पाएंगे। और साथ में जो इसका बैक कैमरा है वो बैक कैमरा है 2 MP का और जो फ्रंट कैमरा है वह है आपको 0.3 MP का। और कनेक्टिविटी के लिहाज से इसमें ब्लूटूथ, GPS और वाईफाई जैसे स्टैंडर्ड फीचर तो दिए गए हैं जो एक स्मार्टफोन के अंदर होते हैं। और इस फोन के अंदर आपको क्वाड कोर का MediaTek का आपको प्रोसेसर आपको मिल जाता है। तो फ्रेंड, इसकी जो प्राइस है 3000 के अंदर ये आपको उसके सारे इसके फीचर आपको मिल रहे हैं। तो अगर आप सोच रहे हो कि आप रिलायंस जियो 5 का आप जो अप्रोक्स 2000 का आता है डिवाइस आता है वो लो, तो मैं तो आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप उसको मत लीजिए, इस फोन को ले लीजिए, क्योंकि रिलायंस जियो का जो हॉटस्पॉट है उसमें केवल आप रिलायंस जियो की सिम इस्तेमाल आप कर पाएंगे। तो अगर आप ये फोन लेते हैं तो इस फोन के अंदर आपको चाहे वह रिलायंस जियो का नेटवर्क हो 4G, चाहे आप एयरटेल का 4G नेटवर्क हो, चाहे वोडाफोन का, कोई भी आप 4G नेटवर्क इस फोन में आप चला सकते हैं। तो मैं तो आपको यही एडवाइस करूंगा कि अगर आप रिलायंस जियो का हॉटस्पॉट लेने की सोच रहे हैं तो अभी आप कुछ टाइम तक वेट कर लीजिए, जैसे ही फोन लॉन्च होते हैं आप इसको आप परचेस कर सकते हैं और इसमें आप एज ए एक हॉटस्पॉट आप इसको आप इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा तो इस वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में इतना ही, मैं जल्द लौटूंगा इसी वीडियो और इसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।